हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में कैसे एटॉमिक रेडियस और जो आयनिक रेडियस होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, क्या होती है और कैसे इनका वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें तो परमाणु त्रिज्या कैसे बदलेगी, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होगी, मतलब बढ़ेगी या घटेगी, और अगर एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कैसे परमाणु त्रिज्या या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक या आयनिक रेडियस कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो डिफाइन ऐसे करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है और जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसको आयनिक परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो अगर इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ये देखिए ऐसे कुछ होगा। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब अगर ये एक एटम है, ठीक है, अगर ये एक एटम, ये बहुत गोल तो नहीं है पर आप माने ये गोल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम लिख लेते हैं इसको, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, तो ये यहाँ पे रेडियाई लिखा हुआ है। क्लियर है, ये तो हो गया जब ये एटम न्यूट्रल था, जब ये एटम न्यूट्रल था, एटम की जब हम बात करते हैं तो उसको न्यूट्रल मानते हैं। अभी अगर हम कोई एक आयन ले लें, आयन का मतलब होता है कि एक कोई ऐसी स्पेशी, कोई ऐसी प्रजाति जिसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, तो कोई कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं। यहाँ पे एक ही एटम था, ठीक है, अभी यही हम यहां पे एक ले लेते हैं, इसको हमने बोल दिया ये है हमारा आयन। अब देखिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फिर है और ये आपका डिस्टेंस है किसके किसके बीच, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो दिस विल बी कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस बोलते हैं इसको। चलिए इसी तरीके से कोवेलेंट रेडियस की बात की जाती है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट जहां पे आ गया मतलब बॉन्डिंग आ गई। अब बॉन्डिंग किसके बीच होती है, एटम्स के बीच में होती है। क्लियर है, तो जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये देखिए मान लीजिए कोई एक एटम ए है या कोई एटम ए है इसका न्यूक्लियस और ये कोई एटम बी है ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लीजिए, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, और इस डिस्टेंस जैसे हमने यहां निकाल लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाल ली और इस डिस्टेंस का आधा, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस को हिंदी बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक, तो भाई आपने देख रखा है कि कई सारे एलिमेंट्स या कई सारे एटम्स आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको उनकी रेडियस मेजर करनी होती है, उनकी त्रिज्या नापनी होती है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आयन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है, आयनिक रेडियस हो गई, एटम और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस हो गई, और कोवेलेंट रेडियस की जब बात की जाएगी तो एक कोई बॉन्ड बना है और इसको हम बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा और इस डिस्टेंस का आधा, देखिए इस डिस्टेंस का आधा, दिस विल बी कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजी त्रिज्या। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट लेते हैं, वैन डेर वाल रेडियस।
ठीक है, देखिए यह है वॉन्डर बॉल रेडियस। ये वॉन्डर बॉल साइंटिस्ट का नाम है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, तो वॉन्डर बॉल त्रिज्या बोलेंगे हिंदी। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बड़े से बर्तन में, एक बड़े से वेसल में ये एक मॉलिक्यूल HCl का है, ये दूसरा मॉलिक्यूल HCl का है और ये तीसरा मॉलिक्यूल HCl का है। ठीक है, होंगे कई सारे पर हमने तीन दिखा रखे हैं। है क्या कि ये HCl बॉन्ड तो आपस में बनाएंगे नहीं, ये HCl का मॉलिक्यूल, ये HCl का मॉलिक्यूल बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, हम इसको नाम दे दें तो शायद थोड़ी सी आसानी हो, 1, 2, 3। तो ये जो तीन मॉलिक्यूल हैं 1, 2, 3, हालांकि ये एक ही जैसे हैं पर हमने डिस्टिंक्शन करने के लिए, अंतर करने के लिए इन दोनों को नाम दे दिया, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3। अच्छा, तो ये HCl का मॉलिक्यूल इस HCl के मॉलिक्यूल से बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपस में खुश है, अकेला खुश है, और ये वाला इससे भी नहीं बनाएगा ना, ये वाला इससे बनाएगा, मतलब आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। पर अगर इंटरेक्शन है नहीं तो ये साथ में क्यों। ठीक है, अगर इंटरेक्शन नहीं है, अगर कोई आकर्षण बल नहीं है तो ये साथ में क्यों है। समस्या ये उठती ना कि भाई आप साथ में क्यों है, आप अपने फ्रेंड के साथ साथ में क्यों है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है आपके अपने दोस्त में, लेकिन एक इंटरेक्शन है, आप जानते हैं एक दूसरे को, कहीं रोड पे भी अगर मिल जाए तो हाय हेलो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कि जो सेम टाइप के लोग होते हैं वो अक्सर सेम जगह पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और जब सेम टाइप के लोग होते हैं उनमें कोई बॉन्डिंग वगैरह का क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, उनमें कोई बॉन्डिंग का क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता है, फिर भी वो इंटरेक्ट करते हैं, और जो इंटरेक्शन उस बेसिस पे होता है जब बॉन्डिंग की कोई चांसेस नहीं होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन या वॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक है, तो वॉन्डर वॉल फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो कि लाइक चीजों के बीच काम करता है और लाइक चीजों को एक साथ रहने के लिए फोर्स करता है। जैसे आप और आपकी क्लास में एक बच्चा है, आप दोनों फ्रेंड नहीं है, ना ही आप दोनों में दुश्मनी है, दुश्मनी हो जाएगी तो रिपल्शन हो जाएगा, वो दूसरी केस हो जाएगी। ठीक है, आप हैं और आपके फ्रेंड क्लास में एक और बच्चा है, आप में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इवन फ्रेंडशिप वाली भी बॉन्डिंग नहीं है, पर अगर आप रोड पर मिलते हैं तो जरूर इंटरेक्शन हो जाएगा, आप भले ही नजरों में मुस्कुरा दें, आंखों में मुस्कुरा दें, लेकिन वो इंटरेक्शन है। ठीक है, अगले दिन जब आप क्लास में जाएंगे तो आप साथ ही में बैठेंगे, ऐसा नहीं कि वो बच्चा 12th क्लास का है तो आप 11th क्लास में बैठ जाएंगे, उसके एंटी हो जाएंगे, सारे के सारे 12th क्लास के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं, हालांकि सारी क्लास आपके फ्रेंड नहीं है। तो एक जो जो फोर्स काम कर रहा है लाइक चीजों को, लाइक लोगों को एक साथ रखने का, वही क्या कहलाता है, वॉन्डर वाल फोर्स। ठीक है, अच्छा, वॉन्डर वाल फोर्स जब काम करता है तो वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा, थोड़ा सा बहुत वीक फोर्स है, वॉन्डर वाल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स है, लेकिन ये पकड़ के रखता है। ठीक है, आप हमेशा सुनेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कमजोरी सही पर है तो बांध के तो रखा है। ठीक, अच्छा, तो होता क्या है कि दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, अब नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पड़ोसी मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल यहां है और एक मॉलिक्यूल यहां है और एक मॉलिक्यूल यहां है, तो अगर हम एक का, इस मॉलिक्यूल का नेबर खोजने की बात करें, पड़ोसी खोजने की बात करें, इसका पड़ोसी कौन होगा, इमीडिएट नेबर, जस्ट बगल वाला पड़ोसी। ठीक है, एकदम बगल वाला पड़ोसी कौन होगा, ये होगा या फिर ये होगा, ऑब्वियस है ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग की कोई कंडीशन नहीं हो पाती है, मतलब बॉन्ड नहीं बनने वाला होता है फिर भी वो एक साथ में है, तो दो मॉलिक्यूल के, और दो मॉलिक्यूल कैसे, ये क्या है, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर, एकदम बगल वाला पड़ोसी है ये। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बगल वाला मैं लिख देता हूं आप समझ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना, जस्ट बगल वाला, घर से सटे मिल जाए तो और अच्छी बात है, बगल वाला पड़ोसी।
तो एक मॉलिक्यूल ही हो गया, एक मॉलिक्यूल ही हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए दोनों में बॉन्ड नहीं बनाया, कोवेलेंट रेडियस की जब बात की गई थी तो दोनों कॉन्टैक्ट में थे, ओवरलैपिंग हुई रखी थी। ठीक है, तो ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस होगी, दो नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस, इमीडिएट नेबर्स जस्ट बगल वाले जो दो पड़ोसी मॉलिक्यूल है उनके बीच की डिस्टेंस होगी। अच्छा, इस डिस्टेंस का जो आधा हिस्सा होगा, जो हाफ होगा, दैट विल बी कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। कैसे, देखिएगा ये पूरा का पूरा बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड नहीं बना है, और जब बॉन्ड नहीं बना है तो जाहिर सी बात है, अगर आप बॉन्ड ना बनने के केस में, जैसे मैं मान लीजिए यही मॉलिक्यूल वन एंड मॉलिक्यूल थ्री है, अगर ये बॉन्ड बनाए होते तो क्या होते, कॉन्टैक्ट में होते। ठीक है, ये अगर बॉन्ड बनाए होते ये कॉन्टैक्ट में होते, और जब कॉन्टैक्ट में होते तो ये डिस्टेंस कम होती। ठीक है, ये डिस्टेंस कम होती, और इसका मतलब इसका आधा भी क्या होता, कम होता। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जो वैन डर वाल रेडियस होती है, आर वैन डर वाल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि वैन डर वाल रेडियस में बॉन्ड नहीं होता है, पड़ोसी होते हैं, दो इमीडिएट नेबर्स होते हैं, इमीडिएट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि बॉन्ड आप देखिए साफ साफ यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, ये इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, हर हाल में ज्यादा ही होगी। और यहाँ पे जब बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट कंडीशन है, जब बॉन्ड बन चुका है तो ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, कम होगी। तो हर केस में वैन डर वाल रेडियस जो होती है कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। क्लियर, ये चीजें होगी। चलिए और चीजें देख लेते हैं। अब देखिए तो वैन डर वाल रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, वैन डर वाल रेडियस होता है कि दो नेबरिंग एटम्स के बीच का जो आधा दूरी होता है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, अच्छा अगर हम आयनिक रेडियस की बात की थी अभी मैंने, ठीक है, तो इसमें दो रेडियस होती है, एक होता है एनायनिक रेडियस और दूसरा होता है कैटायनिक रेडियस। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एटम ए है, हमारे पास कोई एक एटम ए है। ठीक है, अब अगर ए एनायन बनाएगा, ऋणायन बनाएगा, तो इसका मतलब ए माइनस है, और अगर कैटायन बनाएगा तो ए प्लस है। ठीक है, एनायनिक रेडियस का मतलब ए माइनस, अगर एटम आपका ए है, ठीक है, तो एनायनिक रेडियस का मतलब ए माइनस, और अगर एटम आपका ए है तो उसका कैटायनिक रेडियस का मतलब ए प्लस है। ठीक है, तो अब अगर हमको कंपैरिजन करना हो कि एटॉमिक रेडियस, एनायनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस में क्या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो ए प्लस की रेडियस होगी वो सबसे कम होगी, फिर ए की होगी, और फिर ए माइनस की होगी। ऑब्वियस है, उसमें आप कोई बहुत ज्यादा इफ्ट की बात नहीं है। कैसे, देखिए अगर ए प्लस है तो इसका जाहिर सा मतलब है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है, अच्छा प्रोटॉन उतना ही है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन उतना ही है, बाहर से इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो बाहर बैलेंस करने के लिए कम लोग अगर रहेंगे तो न्यूक्लियस आसानी से खींच पाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करेगा, आसानी से खींचेगा, और उस केस में रेडियस एटॉमिक रेडियस से कम हो जाएगी, अपने पेरेंट एटम से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होने की वजह से प्रोटॉन को कम लोगों को बैलेंस करना है। ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक क्या कैटायनिक रेडियस कम हो जाएगी। और अगर रही बात ये आपके पूरा एटम ही है तो इसी को हम रेफरेंस मान रहे हैं, ये आपका ए है, ये आपका ए प्लस है। और फिर अगर आप एनायनिक रेडियस की बात करें तो अब एनायनिक रेडियस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये है, तो प्रोटॉन को अब उन्हीं प्रोटॉन्स को अब ज्यादा लोगों को बैलेंस करना है, तो जब ज्यादा लोगों को बैलेंस करना है तो प्रोटॉन के लिए मुश्किल होगी, है ना, प्रोटॉन के लिए जब मुश्किल होगी तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये बाहर की तरफ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है ये, तो इस केस में ए माइनस होगा। तो सबसे छोटा ये होता है, ये होता है, आप ऐसे समझिए इसको, प्रेजेंट में एक टीचर है
और 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में किसी तरीके से संभालना है। एक दिन बारिश हो गई, ठीक है, टीचर आया और 20 ही बच्चे आए, ठीक है। और एक दिन सनी डे था, जिस दिन खूब अच्छी खासी धूप निकली थी, खिला हुआ दिन था, उस दिन एक टीचर था और 40 की जगह 60 बच्चे आ गए, ठीक है। आप देख रहे हैं तीन कंडीशन, मैं घेर देता हूं। देख रहे हैं कौन से दिन में टीचर को स्टूडेंट्स को संभालना आसान होगा। अगर आप टीचर को न्यूक्लियस मान लें, स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो ऑब्वियस आप कहेंगे सबसे आसानी से संभाल पाएगा कहां पे, यहां पे। संभालने का मतलब है कि बच्चे एकदम डरे हुए रहेंगे, टीचर के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो अगर टीचर प्रोटॉन है आपका, ये अगर प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है ना, पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा कहीं, आप बाहर नहीं घूम सकते हैं, बात वगैरह नहीं कर सकते हैं। और अगर टीचर यहाँ पे प्रोटॉन है 60 स्टूडेंट्स वाले केस में और यहाँ बच्चे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो उसी टीचर के लिए संभाल पाना क्लास को थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इस केस में आप लोग बात वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा फ्री हो सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए पेरेंट एटम से, है ना, पेरेंट एटम, जैसे यहाँ पे ए है जो ओरिजिनल आपका परमाणु होता है, उससे उसका कैटायनिक रेडियस हमेशा छोटा होगा और एनायनिक रेडियस हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बारी सारी बात हो गई आपकी रेडियस की। अब हम लोग इसका वेरिएशन देख लेते हैं, और वेरिएशन जो होगा सारा का सारा डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, ठीक है। तो यहां देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ, ऐसे लिखता हूं मैं, रेडियस, रेडियाई इन ए पीरियड, ठीक है, पीरियड आवर्त, ठीक है। अब आवर्त में भी आप चलते हैं लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, ठीक है। जैसे टेबल ये आपकी है, अगर ठीक है, और ये आपका ऐसे मान लीजिए एक टेबल का एक लेआउट बना लिया, तो लेफ्ट राइट मतलब हम ऐसे हमेशा चलेंगे, जब भी रेडियस मेजर करनी हो, कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करनी हो, तो हम लेफ्ट राइट चलते हैं, ये लेफ्ट है ना, और ये इधर से इधर चलते हैं राइट में। और जब ग्रुप वाइज मेजर करते हैं तो आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे वेरिएशन होता है। तो जब भी आप किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट मेजर करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करती है हमेशा, त्रिज्या जो होती है हमेशा डिक्रीज करती है। डाउनवर्ड एरो का मतलब हो गया डिक्रीज करना, ठीक है। क्यों होता है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपको टेबल में दो चीजें बड़ी ध्यान रखनी है, एक तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, एट एनी कॉस्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन विन्यास लिखने आना ही आना चाहिए, और दूसरा रेडियस का वेरिएशन। अगर आप ये दो चीज जान गए और बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं उनकी डिफिनेशन जान जाइए, तो फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। टेबल बड़ी इजी चीज है, ठीक है, बच्चे अक्सर हर चीज याद करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, आप याद मत करिए, आप यही दो चीज अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप डिफिनेशन याद कर लीजिए, आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं आगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। मतलब क्या है, मैं पूरा ट्रेंड लिख देता हूं कि रेडियस का कैसे वेरिएशन होता है, कि अगर आप ग्रुप वन से, ठीक है, ग्रुप 17 तक चलते हैं तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और फिर ग्रुप 17 से ग्रुप 18 जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है। ये थोड़ा सा नोट करने वाली चीज है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ग्रुप 1 से 17 तक जाने पर रेडियस क्या की हुई, डिक्रीज की,
अब ग्रुप 17 से ग्रुप 18 तक जाने में, मतलब हेलोजन से जीरो ग्रुप जाने में, नोबल गैस के ग्रुप में जाने में रेडियस इंक्रीज कर गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं है क्या। एक कोई पीरियड ले लेते हैं, जैसे ले लिया सोडियम, सोडियम के बगल मैग्नीशियम, अब इसी में है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 14, 15, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। 8 एलिमेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इसके लास्ट में है 3s1, 3s2, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, सल्फर का 3s2, 3p4, क्लोरीन का 3s2, 3p5, 3s2, 3p6। ये एक मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, यही सेम लॉजिक सेम एक्सप्लेनेशन आपको हर ग्रुप में हर पीरियड में मिलेगा। देखते हैं क्या है। अच्छा एटॉमिक नंबर देखिए, यहां लिख दूंगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। ठीक है, थोड़ा मे बी क्लमजी लग रहा हो, गंदा, पर आप एडजस्ट करेंगे, अब क्लियर है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, एटॉमिक नंबर लिख लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 11 प्रोटॉन है यहाँ पे, 11 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, हर जगह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, इक्वल है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये 11 प्रोटॉन और n बराबर 3 है, ये इसी में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। देखिए ध्यान से, n बराबर 3 में 11 इलेक्ट्रॉन भर दिया। मैग्नीशियम में देखिए 12 इलेक्ट्रॉन और यहां पे ही n बराबर 3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया। एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन और यही n बराबर 3 में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया। 3s3p n बराबर 3 के ही पार्ट हैं, ठीक ना। अच्छा आप आइए सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन और यही पे इलेक्ट्रॉन भरा गया, देख रहे ना। है क्या कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक ना, देखिए ये आपका न्यूक्लियस फिक्स है, ये जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो चीज फिक्स है ना। ऐसा नहीं कि n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में भर दिया, नहीं, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में एक ही शेल में भर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल हमारा n बराबर 3 ही है ना, आउटर मोस्ट शेल हमारा n बराबर 3 ही है। और है क्या कि ये चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज देखिए 11 से 12 हो गया, 12 से 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, ठीक, अच्छी बात है। कहते क्या है, इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियर से वो सेम रहती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है, जो पकड़ने का वो होता है, फोर्स होता है, वो बढ़ जाता है और न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच के रेडियस को घटा देता है। ठीक है, तो यही लॉजिक यहां पे है। 11 प्रोटॉन थे, डिस्टेंस सेम है हर जगह, डिस्टेंस की बात ही नहीं करते हैं, जो चीज कॉन्स्टेंट है वो तो हम सब में बराबर रहेगी। 11 प्रोटॉन थे, आसानी से खींचेंगे, 12 प्रोटॉन और आसानी से खींचेंगे तो श्रिंक करेगा, ठीक है, 12 प्रोटॉन और आसानी से खींचेंगे तो और श्रिंक करेगा। 13 प्रोटॉन है, डिस्टेंस सेम है, n बराबर 3 है अभी, तो और आसानी से खींचेंगे और छोटा हो गया एटम। 14 प्रोटॉन है और आसानी से खींचे, है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, भाई अगर 14 प्रोटॉन है, प्रोटॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना, मतलब एक प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग, एक प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग आप कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस मतलब रेडियस क्यों वेरी कर जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, प्रोटॉन इज मच मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, 10,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन बढ़ता है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो कोई मैच नहीं है, है ना भाई। आप ऐसे समझिए कि एक प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है तो 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर आप लगाएं वहां पे, तब जाके उसका वेट वाइज वो इक्वल होंगे, है ना, वेट वाइज वो इक्वल होंगे, तो ऐसा नहीं है।
प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन क्योंकि मैसिव पार्टिकल है करस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है पर प्रोटॉन थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा है यहाँ पे वेट की वजह से अपने, तो प्रोटॉन बढ़ा, डिस्टेंस सेम रही, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कोई बात नहीं, डिस्टेंस कुछ आई, प्रोटॉन बढ़ा, डिस्टेंस सेम रही, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा कोई बात नहीं, अब साइज छोटी हो जाएगी क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है, अब प्रोटॉन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जीत रहा है, प्रोटॉन हैवी है जीत रहा है, 13 प्रोटॉन हो गए, एन बराबर 3, डिस्टेंस सेम है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, 13 के 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन फिर वही बात प्रोटॉन जीत रहा है हैवी होने की वजह से, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जीत रहा हैवी होने की वजह से, तो डिस्टेंस क्या होती है श्रिंक होती चली जाती है, श्रिंक होती चली जाती है, और ये काम कहां तक चलता है, क्लोरीन तक, ये काम चलता है आपका क्लोरीन तक, ठीक है। तो है क्या, आप डिफाइन कैसे करेंगे इसको, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम होती है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है नाभिक से सेम होती है, बराबर होती है, परंतु नाभिकीय आवेश जो होता है न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ने की वजह से साइज छोटी हो जाती है, और यही सेम चीज आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेम रहती है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस की डिस्टेंस सेम होने पर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्डअप बढ़ जाने की वजह से ये रेडियस जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये काम कहां से हुआ, ग्रुप नंबर 1 to 17। चलिए अब देखते हैं कि ये 17 से 18 कैसे बढ़ गया, है ना, 17 से 18 कैसे बढ़ गया देख लेते हैं। चलिए कुछ नहीं है, आसान सी चीज है, देखिए ये आपका है, अगर क्लोरीन की बात कर रहे थे हम, क्लोरीन ये अगर ऐसा दिखता है तो जो क्लोरीन के बगल में पड़ोसी है आर्गन वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपके दिमाग में आ सकता है भाई 18 प्रोटॉन हो गए, 17 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, एक ही पीरियड में है, एन बराबर 3 यहाँ पे भी है ना, एन बराबर 3 यहाँ पे भी है, तो रेडियस घटनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है, ध्यान समझिएगा, आर्गन जो एक इनर्ट गैस है ना, आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। अब जब ये इनर्ट गैस है तो ये बॉन्ड बनाएगी नहीं, और जब बॉन्ड बनाएगी नहीं तो आर्गन में आप क्या मीजर करेंगे, ये आर्गन और ये आर्गन मीजर करेंगे आप, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, ये होगी वांडर वॉल रेडियस, है ना, यहां पे आप मीजर करेंगे वांडर वॉल त्रिज्या, क्यों, क्योंकि एक आर्गन का अणु दूसरे आर्गन के अणु से नहीं जुड़ेगा, एक आर्गन मॉलिक्यूल दूसरे आर्गन मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब आपस में खुश हैं भाई, क्या जरूरत है जुड़ने की, दूर दूर से पड़ोसी ये सब है, ठीक है, बॉन्ड वगैरह नहीं बना रहे, लेकिन क्लोरीन को तो जरूरत है ना, क्लोरीन को तो जरूरत है, तो क्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, और ये देखिए ये क्लोरीन का केस है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका आधा निकालिए, बताया ना, तो ये आपका आर इक्विवेलेंट है, और अभी आप पहले थोड़ी देर देखा था कि आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन आर वान डर वाल इट इज, ठीक है। तो रीजन कैसे देंगे कि ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप नंबर 17 से 18 जाने पर 18 ग्रुप के एलिमेंट में हम मेजर करते हैं क्या, वॉन्डर वॉल रेडियस, और वॉन्डर वॉल रेडियस हर केस में बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से, तो जो यही कारण है कि क्यों ग्रुप नंबर 18 के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 17 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़े क्यों हो जाते हैं, अचानक से साइज में इंक्रीमेंट कैसे आ गया, ठीक है। तो रीजन यही है कि वॉन्डर वॉल रेडियस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आर्गन मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ पाया, जैसे HCl का केस बताया था, सेम चीज यहाँ पे, चलिए। तो ये आपका हो गया वेरिएशन इन ए पीरियड, अब देखते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप देखते हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम और फिर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ठीक है, फ्रांसियम यहां पे हमने ले लिया। अब देखते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s1 2s1 3s1 4s1
5S1, 6S1, 7S1। देखिए ये होता है केस, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो n बराबर 1 यहाँ है, n बराबर 2 यहाँ पे है, n बराबर 3 यहाँ पे है, और ऐसे करते करते n बराबर 7 यहाँ पे है। तो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन भरा गया यहाँ पे, डिस्टेंस कुछ आई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन भरा गया यहाँ पे, ठीक है, ये रेडियस हो गई लिथियम के केस में। सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया, कुछ डिस्टेंस आ गई, और फिर पोटेशियम के केस में यहाँ कहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नए शेल में भरा जा रहा है। देखिए 1 में भरा गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में। तो जब क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ रही है, मान बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो बढ़ गई, तो रेडियस का बढ़ना ऑब्वियस है, ठीक है। तो नीचे ग्रुप में जाने पर तो बहुत आसान है, पीरियड में आपको देखना है ध्यान से कि ग्रुप नंबर 1 से 17 तक तो घटना है, और घटना क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से सेम है, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। 17 से 18 में आप कोवेलेंट रेडियस मिस कर लेते हैं, इस वजह से रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें थी, क्लियर है। अच्छा, ये सब जो सारी चीजें हैं ये हर पीरियड, हर ब्लॉक, हर ग्रुप के लिए है ना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ग्रुप हमने पकड़ लिया जहां पर रेडियस बढ़ने लग रही है, नीचे जाने पर घटने लग रही है, ना ही कोई ऐसी ऐसा पीरियड आपको मिलेगा जहां पे आप लेफ्ट राइट जाने पे रेडियस बढ़ने लगेगी, ऐसा कोई पीरियड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ यूनिवर्सल है टेबल के लिए, ये बिल्कुल यूनिवर्सल चीज़ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना। आपका लाइक मुझे बताता है कि आप कितने अवेयर हैं, और इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू।